फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो में नायलॉन 66 के बारे में बताऊंगा। देखिए, इट इज़ ए अल्टरनेटिव पॉलीमाइड पॉलीमर्स ऑफ ग्लाइसिन N2CH2CW एंड अमीनो एसिड कार्ब कैप्रोइक एसिड N2CH25CW एंड इज बायोडिग्रेबल, याद रखना। ठीक है, आप देखिए इस टेबल को लर्न करेंगे। देखिए, क्या नेम ऑफ द पॉलीमर, मोनोमर्स एंड स्ट्रक्चर। पॉलीप्रोपीन क्या है, ये प्रोपीन का मोनोमर्स है। ठीक है, अब पॉलीस्टायरीन, इसका मोनोमर्स क्या, स्टायरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है। यूरिया फॉर्मलाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मलाइड का। ग्लिप्टल, इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है, यूज क्या है, स्ट्रक्चर देखिए। अब देखिए यूज क्या है इसका, पॉलीवरिन मैन्युफैक्चर ऑफ रोब्स टॉयस एंड पाइप्स एंड फाइबर्स। पॉलीस्टायरीन का एन इंसुलेटर रैपिंग मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर टॉयस एंड रेशियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स। मैन्युफैक्चर ऑफ रैन कोट्स एंड हैट्स हैंड बैग्स एंड विनाइल फ्लोरिंग एंड वाटर पाइप्स। फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल्स कप्स एंड लैमिनेटेड सीट्स। फिर इसका यूज ग्लिप्टल का। मैन्युफैक्चर ऑफ पैंट्स एंड लैक्यूअर्स। फिर बैकेलाइट का, फॉर मेकिंग कॉम्स इलेक्ट्रिक स्विचेस हैंडल बैग्स यूटेंसिल्स एंड कंप्यूटर डिस्क। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर आप याद करेंगे और इनकी जो जो मोनोमर्स यूनिट है इसको याद करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो हमारा, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल फॉर द फर्दर अपडेट एंड वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।